लड़ाई हो रही थी, उसे उस खाने का मन कर रहा था। लेकिन यहां पर इस बात को देखकर वह वहां पर जाना नहीं चाहती थी। उससे स्नेह था सिर्फ बुद्धिराम के लड़के लाडली का। लाडली ने अपने हिस्से की पूड़िया काकी को दे दी। काकी ने उसे चुन चुन कर खा और खाने का इच्छा थी, लेकिन उसके पास नहीं थी। उसके बीच बचे हुए जो खुरचन थे उसे भी साफ किए, वह भी खा लिए, लेकिन उसकी भूख नहीं मिटी। इसके पश्चात उसने लाडली के हाथ को पकड़कर झूठी पत्तल जहां पर पड़ी है वहां पर ले जाने के लिए उसने कहा। झूठी पत्तलों पर उसने खाना निकाल कर जब वो खा रही थी तो रूपा को इधर नींद से जाग आ गई। नींद टूटने के कारण अपने पास लड़की नहीं है इस बात को देखकर रूपा इधर उधर दौड़ने लगी। रूपा सोचने लगी कि कहां गई। रूपा ने इधर उधर देखा, लड़की थी उस बुढ़िया के पास खड़ी। बुढ़िया उन पत्थरों पर से उन मेहमानों की जूठन साफ कर रही थी। रूपा को अपने किए पर बहुत ही पछतावा हुआ। रूपा खुद को कोसने लगी। वह सोचने लगी कि हजारों लोग खाना खा के गए जिनके बलबूते पर मैंने इतने सारे समारोह को संपन्न किया, वह आज झूठन खा रही है। ऐसे जिंदगी को आग लगी। उसने एक थाली में खाना परोसा और काकी को खाना दे दिया। काकी को खाना देते ही काकी ने उसे ले लिया और बड़ी प्रसन्नता से उसने खाना खाना शुरू किया। इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी बड़े बूढ़ों के साथ स्नेह का व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ सौहार्द का व्यवहार करना चाहिए, प्रेम के साथ उनका पालन पोषण करना चाहिए। वे हमारे मार्गदर्शक हैं, जिन्होंने अपने वर्तमान को अपने बच्चों के भविष्य के लिए पूरी तरह से खर्च किया है। उनका भविष्य सुधारने के लिए उन्हें अपने वर्तमान को पूरा यहाँ पर झोंक दिया है। उनके बुढ़ापे में हमें उनका सहारा कब होना है, इस सहारे को ढूंढकर ही लेखक हमें यह प्रेरणा देता है कि बड़े बूढ़ों का हमें आदर करना चाहिए। धन्यवाद।